उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई संगीन वारदात को लेकर रामपुर में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष मामून शाह खान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता चुंगी चौराहे पर जमा हुए, जहां से उनका हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जाने का कार्यक्रम था। उनके इस कार्यक्रम की भनक पुलिस और प्रशासन को लग गई, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट और सीओ दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी कांग्रेस नेताओं को हाथरस जाने से पहले ही हिरासत में ले लिया। वहाँ थाना से इलाज लिया है और उसको बाद में हमें मुजलपुर में छोड़ दिया गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ उसको मार दिया गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और दोषियों के खिलाफ हम मांग करते हैं देश के राष्ट्रपति महोदय से कि उन दोषियों के खिलाफ फांसी होना चाहिए।